गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टेप्स ऑफ ह्यूमन डाइजेशन, जिसमें हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो ह्यूमन डाइजेशन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इंजेशन और दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। इंजेशन में क्या होता है? इंजेशन में होता है द प्रोसेस जिसमें हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं, और हमारा जो फूड में हमने बताया था, हमारे फूड में सलाइवा प्रोड्यूस होता है जिसमें एंटी माइक्रोबियल एंजाइम लाइसोजाइम और सलाइवरी एमाइलेज है, और ये सलाइवरी एमाइलेज जो है हेल्प करता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। और लाइसोजाइम क्या करता है, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल है, फूड में अगर कोई जर्म्स या बैक्टीरिया तो उसको मार देता है। सलाइवरी एमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज स्टाइलिन। और ये जो पार्सली डाइजेस्टिव सॉफ्ट फूड हमारे माउथ में होता है उसको बोला जाता है बोलस। डाइजेशन देख लीजिए, फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर पेनक्रियाज अपने सिक्रेशन करते हैं, जिससे उनके सिक्रेशन बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को कन्वर्ट या ब्रेकडाउन होने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन कन्वर्ट होता है पेप्टाइड में ट्रिप्सिन एंजाइम। फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय पेनक्रियाटिक लाइपेज। स्टार्च कन्वर्टेड है माल्टोज बाय पेनक्रियाटिक एमाइलेज। और न्यूक्लिक एसिड कन्वर्टेड न्यूक्लियोटाइड बाय न्यूक्लियस। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जिसके कंप्लीट सिक्रेशन को बोला जाता है स्यूकस एंट्रिकस, जो कि फर्दर हेल्प करते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में देख ली, यहाँ पे लिखा हुआ है सारे एंजाइम्स का नाम, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पेप्टाइड कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड पेप्टाइडेज, सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सुक्रेज। वैसे ठीक उसी तरीके से माल्टोज लैक्टोज और न्यूक्लियोटाइड जो है वो कन्वर्ट होता है अपने बेसिक सिंपल फॉर्म में। अब इसके आगे स्टूडेंट, इसके आगे वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे आपको। थैंक यू।